हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या किया था? नाउन और प्रोनाउन किए थे, आज हम करेंगे एडजेक्टिव्स। नाउन प्रोनाउन इसीलिए करे थे क्योंकि एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण। क्लियर? कि जो विशेषता किसकी बताते हैं, मॉडिफाई किसको करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या, जैसे हम बोलते हैं टॉल बॉय, तो किसको बता रहे हैं? टॉल। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय, बॉय क्या है आपका? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि बॉय कैसा है, सिंपल सा कि दिस इज अ टॉल बॉय। अगर हम बोलेंगे दिस इज अ बॉय तो सिंपल सा है कि हम नाउन को यूज करें। बट अगर हम कहेंगे टॉल बॉय तो इट मीन्स हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि लड़का कैसा है, लंबा है। या ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? ब्यूटीफुल, सुंदर। सिंपल गर्ल बोलेंगे तो लड़की। अगर हम बोलेंगे सुंदर लड़की तो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? ब्यूटीफुल गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। तो दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। चीप, चीप कार, तो कार क्या है? नाउन। तो क्या हो जाएगा? चीप आपका एडजेक्टिव। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कार को। या चीप टॉय, एक्सपेंसिव कार, तो क्या है? महंगी कार। तो ऑल दोज वर्ड्स जैसे अभी मैंने बताया, उन्हें क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव्स। क्लियर? जहां पे बच्चों समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आएगा तो आप लोग तुरंत जो है हैंड रेस करके क्वेश्चन पुट करें। नेक्स्ट है बैड। बैड मीन्स गंदा। अगर मैं बोलूंगी बैड बॉय तो क्या होगा? बैड बॉय, गुड बॉय। तो किसको बता रहे हैं? लड़के को बता रहे हैं। तो बैड और गुड क्या होंगे आपके? एडजेक्टिव्स। इनसेन, क्लावर, हैवी, लाइट, कोल्ड, हॉट, डिस्टेंट, नियर, तो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एडजेक्टिव। अभी हम डेफिनेशन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि एग्जाम्पल्स भी दिए हैं विद द हेल्प ऑफ, आपको जो है बताने की कोशिश करी है कि कौन से वर्ड्स आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव। नाउन भी दिए हैं और नाउन के साथ दो वही वर्ड्स दिए हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। तो जीप, एक्सपेंसिव, बैड, गुड, इनसेन, क्लावर, हैवी, लाइट, कोल्ड, हॉट, डिस्टेंट, नियर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और एट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का होते हैं। एट नाउन और प्रोनाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। आज हम अपना थर्ड टॉपिक कर रहे हैं इन ग्रामर, दैट इज योर एडजेक्टिव्स। क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या होती है इसकी? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड सारे बच्चे ध्यान से देखें और नोट डाउन करें। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, क्या करते हैं? डिस्क्राइब और मॉडिफाइज। किसको करते हैं? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा को भी और सर्वनाम, दोनों को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? इन अ सेंटेंस इट नॉर्मली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करते हैं? क्वालिटी को करते हैं, साइज को करते हैं, शॉर्ट है, टॉल है, राइट, शेप को करते हैं, क्वालिटी, साइज, गुड है, बैड है, क्वालिटी बता रहे हैं कि अच्छा है, गंदा है, इंटेलिजेंट है। क्लियर? फीलिंग्स, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एडजेक्टिव्स प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस। कई बार होता है कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं बच्चों और उसमें कौन सा क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव फॉर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए। क्लियर? व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि किस तरह से ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करते हैं या बताते हैं, टेल अस अबाउट द नाउन। क्लियर? द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। अब क्या क्वेश्चन है बच्चों? व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन, किस टाइप के बैट्समैन है?
टीम में इन द टीम राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, डेंजरस बैट्समैन। तो क्वेश्चन क्या पुट होता है बच्चों, व्हाट काइंड राइट। नेक्स्ट है, आई हैव 10 कैंडीज इन माय पॉकेट। अब हम क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी कैंडीज आर इन योर पॉकेट। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव 10 कैंडीज। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हाउ मेनी, कितने। तो ये क्वेश्चन हम रेज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विच वर्ड इज योर नाउन, सॉरी विच वर्ड इज योर एडजेक्टिव। क्लियर। आई लव दैट रेड कार। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है हमारा एडजेक्टिव, तो हम यहाँ पे कार के लिए बोल रहे हैं, पर्टिकुलर कार है, रेड कार है, नाउन है। और कैसी कार के लिए बोल रहे हैं, दैट रेड कार, विच वन राइट। तो हमारे क्या क्वेश्चन है, विच वन इज रेड कार या विच वन या आई लव दैट कार। मैं इंडिकेशन कर रही हूँ, डिमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि वो जो रेड कार है वो किसकी है, मेरी है, दैट रेड। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, हाउ मच मनी, हाउ मच। तो इस तरह से आपके माइंड में जो है क्वेश्चन रेज होंगे और आपको पता चल जाएगा कि विच वर्ड जो है क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों। तो डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव हमें क्या इंडिकेट्स करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, किसी चीज की क्वालिटी कैसी है, साइज के बारे में बताते हैं, शेप के बारे में, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स। क्लियर। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। जैसे हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट वन इज योर क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव क्या होते हैं बच्चों, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव, जो हमें नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उनकी क्वालिटी को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों सेम है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वालिटेटिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिलोंग इन दिस टाइप। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव। जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों क्या है बच्चों, सेम है, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। लेट्स सी द एग्जाम्पल। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दे शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की हमें क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, काइंड बताते हैं, कैसा है। क्लियर, क्वालिटी बताते हैं। अब यहाँ क्या है बच्चों, ही इज अ क्लेवर बॉय। अब मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों कि बॉय कैसा है, क्लेवर है। तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है, बॉय को कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों बॉय क्या है आपका, कॉमन नाउन। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, क्लेवर। तो क्लेवर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को। तो कोई भी सेंटेंस लिखा होगा और आपको फाइंड आउट करना है कि विच वर्ड इज योर एडजेक्टिव। तो आप क्या करेंगे कि बॉय कैसा है, क्वेश्चन रेज करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया हाउ मच, हाउ मच, हाउ मैनी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप माइंड में रेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एडजेक्टिव पता चल जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन। क्लियर। तो यहाँ पे क्लेवर किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को। सिमिलरली लार्ज सिटी, सिटी कैसी है, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। कैसी सिटी है, लार्ज है, बहुत बड़ी है। रमन इज ए टॉल बॉय। अब रमन कैसा बॉय है, टॉल, लंबा है, उसका बता रहे हैं कि साइज कैसा है, लंबा है, टॉल है, राइट। तो क्या इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, एडजेक्टिव। तो क्लेवर, लार्ज, टॉल, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव, बिकॉज दे क्वालिफाई, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट इज वाई ये क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज योर
सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब हम क्या कह रहे हैं कि सीता क्या है आपका नाउन, गर्ल क्या है आपका नाउन। क्या बता रहे हैं कि सीता कैसी है, एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, सीता को, गर्ल को, लड़की को, राइट। सीता तो नाउन है, गर्ल क्या है आपका कॉमन नाउन है। तो क्या बता रहा है कि सीता कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है। सिमिलरली आई हैव अ ब्लैक पेन, कि मेरे पास कैसा पेन है, ब्लैक पेन है। पेन क्या है आपका कॉमन नाउन। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, आई हैव अ ब्लैक पेन, कि मेरे पास कैसा पेन है, काला पेन है। तो ब्लैक क्या हो गया आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, इन ऑल दीज सेंटेंसेस, क्लेवर, लार्ज, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लैक, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट इज व्हाई क्या है ये बच्चों, एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, काइंड या क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की, इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, विशेषण एडजेक्टिव। क्योंकि क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि वो बच्चा कैसा है, या वो गर्ल कैसी है, या वो पेन कैसे कलर का है, हमें उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसका काइंड बता रहे हैं। दैट इज व्हाई ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गुड, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी राम इज अ गुड बॉय, तो राम कैसा है, गुड बॉय। तो क्वालिटी बता रहे हैं कि अच्छा लड़का है। अगर मैं किसी के लिए बोलूंगी कि ही इज अ बैड बॉय, कि वह कैसा लड़का है, बैड बॉय, तो बैड क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बता रही है, भाई ये गंदा है, राइट। तो गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, जो भी वर्ड हम यूज करेंगे बिफोर नाउन टू मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन को, दैट इज व्हाई ये क्या कहलाते हैं आपके, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर, बैड, रेड, ब्लैक, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसके अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप, ये अपोजिट भी है टॉल शॉर्ट, बट यहाँ पे क्या है, टॉल है लंबा, छोटा, तो ये दोनों वर्ड्स क्या है हमारे, एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे टॉल ट्री, शॉर्ट ट्री, तो क्या है बच्चों ये आपके एडजेक्टिव। सिमिलरली टॉल जिराफ, शॉर्ट, क्योंकि अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो ये क्या है आपका, शॉर्ट है, छोटा है, राइट। जिराफ कैसा होता है, बड़ा, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, क्या बताते हैं ये हमें, दिस शो द काइंड और क्वालिटी, क्या बताते हैं, काइंड और क्वालिटी, काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति की या कोई थिंग है उसकी क्वालिटी को हमें बताते हैं, उसके काइंड को हमें बताते हैं, इसलिए ये क्या है, क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्लेवर, लार्ज, टॉल, ये नाउन है, नाउन, प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन है, डेली हो गया, रमन हो गया, सीता हो गया, ये क्या हमारे प्रॉपर नाउन है, और इधर क्या है हमारे कॉमन नाउन, बॉय, सिटी, आई क्या है आपका प्रोनाउन, राइट। गुड, बैड, रेड, गीक, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, मॉडिफाई करें। क्लियर, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वर्ड से पता चल रहा है, क्वालिटेटिव वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है, क्वालिटी, राइट।
क्वांटिटेटिव से क्या पता चल रहा बच्चों, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, अगर हमें नंबर्स बता रहे हैं क्वांटिटी को बता रहे हैं देन इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। किसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, किसका नंबर बता रहे हैं, हम नाउन का बता रहे हैं या प्रोनाउन का बता रहे हैं, इन दैट केस इट इज कॉल्ड योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। किसकी क्वांटिटी बता रहे हैं हमें, नाउन की और प्रोनाउन की। इसीलिए बच्चों हमने पहले क्या किया था, नाउन और फिर हमने किया था प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह हमें हम किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को। क्लियर, और इन दोनों को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। इसके बाद हम करेंगे वर्ब। क्लियर बच्चों, तो एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव हमें सिंपल सा बता रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी। अब क्वेश्चन कैसा रेज होता है बच्चों, हाउ मच, हाउ मैनी। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई हैव 20 बक्स इन माई वॉलेट। अब क्या क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ मच, कितने बक्स हैं इन योर पॉकेट। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव 20 बक्स इन माई पॉकेट या इन माई वॉलेट, कि मेरे पर्स में कितने हैं, 20 बक्स। तो क्या बता रहे हैं, ये हमें नंबर्स बता रहे हैं, 20 बक्स हैं, या क्वांटिटी बता रहे हैं कि 20 बक्स किस में, मेरे वॉलेट में, मेरे पर्स में। क्लियर, दे हैव 3 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव। तो क्या बता रहे हैं, ये नंबर्स बता रहे हैं कि कितने नंबर्स हैं चिल्ड्रन के, बच्चों के कितने नंबर्स हैं। नेक्स्ट है, यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हाउ मच, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक। तो क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा पानी है, क्वांटिटी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, कि टैंक में बहुत थोड़ा सा पानी है। आई डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, मैं ज्यादा पानी जो है नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आई डिडंट, क्वांटिटी बता रहे हैं कि मैं ज्यादा नहीं पीता। तो क्वांटिटी या नंबर्स अगर हमें बताते हैं नाउन और प्रोनाउन को, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी टू टाइप्स के होते हैं, अभी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों, 23, होल, लिटिल, मच, नंबर्स बता रहे हैं एज वेल एज क्वांटिटी बता रहे हैं, थोड़ा है, ज्यादा है, सारा है, होल है, 3 है, 20 है, नंबर्स एज वेल एज क्वांटिटी, सम, लिटिल, मच, all, whole, enough, most, one, two, first, second, all these words are called your quantitative adjectives. Clear बच्चों, इन्हीं को further किस में divide किया गया है, two में divide किया गया है। Further quantitative adjective is divided into two, definite adjective of numbers, cardinal numbers, आपने maths में पढ़े होंगे cardinal numbers और ordinal numbers. Cardinal numbers क्या होते हैं बच्चों, denotes exact numbers, जैसे मैं बोल रही हूँ 1, 2, 3, 4, एग्जैक्ट नंबर बोल रहे। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, सीरीज को बोलते हैं, डिनोट्स ऑर्डर इन सीरीज, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज। इसमें बोलती हूँ लास्ट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर, चाहे ऑर्डिनल नंबर्स हो, चाहे ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स हो, चाहे ऑर्डिनल नंबर्स हो, दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई हैव 4 रूम्स। अब यहाँ पे क्या बोला कि आपके, मेरे पास कितने हैं, आई हैव 4 रूम्स। तो रूम कितने हैं, 4 रूम्स। ही हैज 3 पैन या आई हैव 3 पैन। तो मैं क्या बता रही हूँ, नाउन बता रही हूँ कि मेरे पास कितने पैन है, 3 पैन, राइट। या पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैसे प्रधानमंत्री है हमारे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल नंबर है, बट ये क्या है आपका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जैसे अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हमने दो में डिवाइड किया है, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर? पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई स्टूड सेकेंड इन द क्लास, कि मैं क्लास में क्या आया हूँ, सेकेंड आया हूँ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट? क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे नोट डाउन भी करते रहे और उनको पढ़ते रहे। अभी मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी। ही हैज, या आई हैव थ्री पेन, आई हैव फोर पेन, आई हैव टू बुक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई हैव एन, आई हैव टू एप्पल्स। तो जितने भी नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, उनको क्या बोलते हैं बच्चों हम? कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर थिंग्स इन सीरीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल दिस वर्ड्स आर योर ऑर्डिनल नंबर्स। तो सिंपल सा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में फोर आए, थ्री आए, सम आए, लिटिल आए, या आपका फर्स्ट आए, सेकेंड आए, ऑल दिस वर्ड्स आर कॉल्ड योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इनको क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो नंबर्स को हमने दो में डिवाइड किया है, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर बच्चों? अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने क्या पढ़ा है? एक क्वालिटेटिव पढ़ा, जिसमें किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की हमें क्या पता चलता है? क्वालिटी पता चलती है कि वो अच्छा है, बुरा है, या उसका शेप पता चलता है, साइज पता चलता है, शेप पता चलता है कि शॉर्ट है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, अगली है। तो सारे वर्ड्स कैसे हैं ये बच्चों हमारे? क्वालिटेटिव, क्योंकि क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना उनको। नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों क्वांटिटेटिव, तो वर्ड से पता चल रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहे हैं हमें, थोड़ा है, ज्यादा है, या एग्जैक्ट नंबर है, थ्री है, फोर है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? सम, ये हो गए हमारे एग्जैक्ट नंबर। दूसरा हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट, ये तो हमारे को पता चल रहा है डेफिनेट है, फोर है, थ्री है, फाइव है। क्वांटिटेटिव नंबर्स का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? इनडेफिनेट एडजेक्टिव, अनिश्चित। यहाँ पे तो डेफिनेट है बच्चों, हम क्या बता रहे हैं? डेफिनेट। ये इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज योर कार्डिनल एंड सेकेंड इज योर ऑर्डिनल। डेफिनेट मीन्स निश्चित, तो हम निश्चित नंबर बता रहे हैं, चाहे वो वन है, टू है, फर्स्ट है, सेकेंड है, तो हम डेफिनेट बता रहे हैं, निश्चित बता रहे हैं कि कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, वर्ड से क्लियर हो रहा है बच्चों कि इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, कि निश्चित नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ कि आई हैव, या जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल क्वांटिटी या लिटिल वाटर इन द टैंक, तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ? लिटिल वाटर, थोड़ा सा, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ कि वन है या टू है या थ्री है। क्या बता रहे बच्चों हम? देयर इज ए लिटिल वाटर इन द टैंक, टैंक में थोड़ा पानी है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर, क्या बोलते हैं उसको? इनडेफिनेट क्वांटिटी, क्योंकि क्या है वो बच्चों? इनडेफिनेट, अनिश्चित है। क्लियर? तो वर्ड से आप समझने की कोशिश करें कि कौन सा एडजेक्टिव है, वेदर इट इज डेफिनेट और वेदर इट इज इनडेफिनेट, निश्चित है या अनिश्चित है। क्लियर? आई गेव सम कैंडी टू हर, कि मैंने कुछ कैंडी, तो यहाँ पे भी हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला। अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे आई गेव टू कैंडीज, क्लियर, तो क्या होगा बच्चों? वो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, कि मुझे कुछ क्षण क्या चाहिए? अकेले चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? फ्यू, सम, लिटिल, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके? इन डेफिनेट एडजेक्टिव। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे कि वन है, टू है, हम क्वांटिटी बता रहे हैं, सिंपल सा, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, राइट? सम, लिटिल, फ्यू, लेस, राइट? इसी को देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, या आई डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, तो
तो ये क्या है आपके होल, तो ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, इनडेफिनेट एडजेक्टिव, 23, ये क्या है हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज योर डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। क्लियर बच्चों? तो अगर कोई क्वेश्चन पुट करना, लेट्स सी यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखा, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे आप, आई हैव मैनी, तो मैनी क्या एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि बहुत सारे, तो ये क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ, डेफिनेट है या बच्चों इनडेफिनेट है, तो ऑब्वियसली इट इज योर इनडेफिनेट क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है मैनी स्टूडेंट। क्लियर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा है आपका इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे लिखूंगे आई हैव फोर चिल्ड्रन तो क्या होगा बच्चों, फोर क्या होगा एग्जैक्ट नंबर है, आएगा इसी हेडिंग में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट कौन सा होगा वो आपका डेफिनेट एडजेक्टिव क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं फोर या फाइव। क्लियर बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट कार, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे देखिए बच्चों दिस इज माई फर्स्ट कार। अब फर्स्ट कार क्या है आपका, पहली कार है, तो मैं एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ कि ये मेरी क्या है पहली कार है, तो क्या किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, ये कार्डिनल का होगा या ऑर्डिनल का होगा, कार्डिनल या ऑर्डिनल, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल नंबर। क्लियर? देयर आर टू पीपल ऑन द काउच, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए, टू, तो क्या बता रहे हैं हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज योर कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये क्या है कार्डिनल और ये क्या है आपका ऑर्डिनल। ये कौन सा है बच्चों आपका, फर्स्ट कार मीन्स ऑर्डिनल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? और किसमें आता है ये बच्चों आपका, डेफिनेट, या आप कह सकते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल, कार्डिनल, और किसमें आता है ये आपका, डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्लियर? सेम है दोनों का, बस डिफरेंस ये है कि ये ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड सीरीज बता रहे हैं कि पहली है मेरे पास, दिस इज माय फर्स्ट कार, और यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो दोनों डेफिनेट हैं, बट डिफरेंस यही है कि एक कार्डिनल नंबर है और एक क्या है आपका ऑर्डिनल नंबर, यही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों क्या है आपके डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी आपका डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑफ नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 आवर्स, अब क्या बोल रहे हैं 2 घंटे में, तो 2 आवर्स हम क्या बता रहे हैं बच्चों, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द पिक्चर्स, तो पिक्चर में आपको क्लियर है, यहाँ पे हमने ऑर्डिनल नंबर यूज करा है, यहाँ पे हमने कार्डिनल नंबर यूज करा है, इसलिए ये क्या है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेफिनेट भी कह सकते हैं इसको आप, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये क्या है कार्डिनल, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दोनों किसमें आते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यहाँ पे भी लिखा है बच्चों कार्डिनल नंबर्स 1, 2, 3, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आप नोट डाउन करें, कंफ्यूज ना करें कि यहाँ पे जो है सम फ्यू,
ये भी आपकी क्वांटिटी बता रहे हैं बट एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव अनिश्चित। निश्चित में कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, डेफिनेट, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर डिनोट कर रहे हैं, डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड योर कार्डिनल नंबर्स। जिसमें हम सीरीज बताते हैं किसी थिंग की, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज, फर्स्ट लास्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डिनल नंबर्स। तो दोनों किस में फॉल करते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्लियर? इनडेफिनेट के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और कौन सा है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, बट कौन सा है, इनडेफिनेट। नेक्स्ट है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव। वर्ड से क्लियर हो रहा है, तो बच्चों वर्ड को समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, कि कैसे हम यूज करें इन अ सेंटेंस, हाउ वी डिस्क्राइब और मॉडिफाइज विद द हेल्प ऑफ दीज एडजेक्टिव्स, अ नाउन और ए प्रोनाउन, कैसे हम संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। क्लियर बच्चों? जैसे अभी मैंने बताया कि क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव तो वर्ड से मीनिंग समझे कि क्वालिटी, क्वांटिटी से मीनिंग समझे क्वांटिटी, नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, राइट, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप एज इंडिविजुअल, की पूरा ग्रुप है और उसको एज ए इंडिविजुअली हम यूज करेंगे, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, ईच गर्ल हैज अ बुक, और हमने क्या लिखा है कि ईच गर्ल, गर्ल क्या है आपका, नाउन, नाउन से पहले हमने जो वर्ड यूज करा है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ईच गर्ल हैज अ बुक मीन्स लड़कियों का ग्रुप है, जैसे क्लास में है बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या हम डेफिनेशन क्या है बच्चों, रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। तो यहाँ पे हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं कि ईच गर्ल मीन्स प्रत्येक लड़की के पास क्या है, बुक है, राइट right? तो कैसे फ्रेम करना है, लेट्स सी, ईच गर्ल हैज अ बुक, तो प्रत्येक लड़की की, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हम क्वालिटी नहीं बता रहे बच्चों, क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बता रहे हैं कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है, बुक है। ईच बॉय हैज अ बुक, ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, बहुत सारे लड़के हैं, प्रत्येक लड़के को क्या मिला है, एक एप्पल मिला है। एवरी मैन इज इमोशनल, यहाँ पे भी हम किस को बोल रहे हैं, पूरे मेंबर्स ऑफ मैन को बोल रहे हैं कि जितने भी जो है मैन कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन क्या है, वो सारे इमोशनल। ईदर बुक इज योर्स, अब बहुत सारी बुक है और उसमें से मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि ईदर बुक, तो बुक क्या है आपका, नाउन, तो इधर बुक की क्या ये तुम जो है, इतनी सारी बुक्स में से क्या ये तुम्हारी है, इधर बुक इज योर, तो यहाँ पे नाउन के साथ हमने जिस वर्ड को यूज करा है, नीदर बॉय इज हैंडसम, कि बहुत सारे लड़के हैं और इसमें से कोई भी हैंडसम नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बॉय, बुक, मैन, बॉय, गर्ल क्या है, ये आपके नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज करा है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर क्या कहलाते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, गर्ल, बॉय, मैन, बुक, बॉय, तो डेफिनेशन क्या है, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, तो लड़कियों का ग्रुप है, बॉय का ग्रुप है, मैन है, बहुत सारी बुक्स है, बॉय है, उनमें से हम जो है यूज करे हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईदर हम हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, नीदर हम करते हैं नेगेटिव, कि कोई भी लड़के बहुत सारे हैं और उसमें से कोई भी कैसा है, हैंडसम नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग स्मार्ट, तो ऑल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है आपका, नाउन, तो सारे बच्चे कैसे हैं, आर लुकिंग स्मार्ट, सारे के सारे जो है यहाँ पे ग्रुप है, सब कैसे दिख रहे हैं, लुकिंग स्मार्ट।
तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है और हम क्या कह रहे हैं, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट ने एक कैसी पहनी है ड्रेस, यूनिक ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, और ग्रुप में हम यूज कर रहे हैं ईच, एवरी, नीदर, ईदर। तो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्वालिटेटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना है, वर्ड से समझना है मीनिंग को। अगर क्वालिटी क्वालिटेटिव है तो क्वालिटी बताएगा नाउन की, क्वांटिटी क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी बताएगा, और क्वांटिटी भी कैसी बताएगा, एक डेफिनेट बताएगा और दूसरा क्या बताएगा, इनडेफिनेट, सम, फ्यू, लिटिल, ये क्या है, इनडेफिनेट है कुछ। और अगर एग्जैक्ट नंबर बताएगा या सीरीज बताएगा, इन दैट केस इट इज योर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ग्रुप को रेफर करते हैं, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, कि बहुत सारी लड़कियां, मैं कह रही प्रत्येक लड़की, ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, कि प्रत्येक, तो हम किसको डिनोट कर रहे हैं, रेफर किसको कर रहे हैं, पूरे ग्रुप को कर रहे हैं, और उसमें हम जो वर्ड को यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? ईदर, नीदर, सारे वर्ड्स क्या है आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट? और पूरे हम किसको कर रहे हैं, नीदर बॉय इज हैंडसम, की बहुत बड़ा ग्रुप है और कोई भी जो है हैंडसम नहीं, राइट? तो यहाँ पे हमने पिक्चर भी देखी है बच्चों, और पिक्चर के हेल्प से बताने की कोशिश करी है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी आपको सेंटेंस दिया रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा, अगर मैं बोलूंगी राम इज अ टॉल बॉय, दूसरा सेंटेंस में बोल रही हूँ आपको देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, नेक्स्ट में बोल रही हूँ ईच बॉय हैज अ बुक, तो आपको बताना होगा कि विच वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कौन सा आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, एंड विच वन इज योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो कैसे पता चलेगा, अब हमने बोला कि टॉल बॉय है तो टॉल बॉय, तो ये क्या होगा, क्वालिटेटिव। अब मैं बता रही हूँ क्वांटिटी कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन अ टैंक, तो हम क्या बता रहे हैं, लिटिल क्वांटिटी बता रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका क्वांटिटी बता रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो अभी मैं कुछ सेंटेंस दूंगी तो आप बताएंगे बच्चों, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी तो सारे बच्चे जो हैं जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज इट एट होम, और टुमारो आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्री जो आज हमने पढ़ी है, एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर? तो ये आप नोट डाउन करें और इसको रिवाइज करके आए। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।